लकम बैक आफ्टर दी ब्रेक हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर असदुल्ला साहब इनसे बातें कर रहे हैं मज़ीद बातें करते हैं लेकिन चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है क्रॉस टॉक सर अक्सर हम नूरी जो काम करते हैं मतलब जो कुरान पाक से करते हैं उनके पास भी चले जाएं तो वो लाखों की तादाद में हमें कहते हैं कि तस्वी करें को कोई कलमात पढ़ें तो वो तो बड़ा नामुमकिन लगता है ना लोगों को उसके लिए आप क्या कहेंगे जी नूर मैं आपको एक बात बताऊं कि ऑनेस्टली पर्सनली मैं आपको बताऊं कि दीन जो है ना इस्लाम हमारा जो है हाँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल रिलीजन है इसमें कोई ऐसी कोई दियो मलाई किस्म की चीजें नहीं है हाँ, को अल्लाह ताला ने कोई मुशक्कत में जो है ना ना अल्लाह ने डाला ना नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाला इंसान को मुशक्कत में ये लंबी-लंबी लाखों की हजारों की करोड़ों की जो तस्बीहात हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से कहीं भी साबित नहीं है।, है ये सिर्फ और सिर्फ ये मुजरबात जो है ना ये बुजुर्गों ने बनाए हुए हैं कि जी सवा लाख दफा कर लें आप तो करोड़ दफा ये पढ़ लें और हाँ। इतने हजार दफा ये नाम पढ़ लें मैं चैलेंज से कहता हूँ कि मैंने सत्रह किताबें हदीस की पढ़ी है आप सल्लम की किसी भी हदीस में कोई भी चीज सौ दफा से ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं गई नहीं बताई सिर्फ इतना कहा गया कि सौ दफा आप ये पढ़ लें इससे ऊपर अगर कोई पढ़ लेता है तो उसको उसका उतना ज्यादा स्वाब मिल जाएगा बेहतरीन जी सर दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है कि रूहानी इलाज पर जो लोग यकीन नहीं रखते उनके बारे में आप क्या तो तो अब तो गोरे भी रूहानी इलाज पे पे यकीन पे आ गए हैं नो no डाउट इंग्लैंड के एक अस्पताल में हाँ। उन्होंने कैंसर के पेशेंट्स के लिए वहाँ रहमान की तलावत लगानी शुरू कर दी है तो वो जो लोग पहले जो मादियत की तरफ भाग रहे थे कि जी नहीं हमें यहीं से कोई ना कुछ मिल जाएगा हल वो भी अब घूम फिर के सारा कुछ कर करा के वापस जो है वो रूहानियत की तरफ आ रहे है तो यह कि रूहानी इलाज जो है ना देट इज द अल्टीमेट क्योर क्योंकि देखिए इंसान के जिसम में जो बीमारी होती है पैदा होती है हाँ। वो बाद में पैदा होती है हाँ। पहले आपकी रूह में बीमारी पैदा होती हुँ। हुँ। है फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्पिरिट गेट द डिजीज एंड देन योर बॉडी गेट्स द डिजीज तो जब आपने क्योर करना है तो आप स्पिरिट को क्योर कर लें तो बॉडी खुद ही क्योर हो जाएगी सर बहुत सारी माए हैं जो चाहती हैं हमारी न्यू जनरेशन यूथ मज़हब की तरफ आए जी लेकिन उन्हें लाना थोड़ा मुश्किल होता है तो उन माओ की डिमांड है कि उन्हें कुछ ऐसे कलम जाए कि बच्चे जल्द जल्द मजहब की तरफ आए जी सबसे बेहतरीन मैं आपको जो खुद भी और अपने बच्चों को भी जिसपे लगाए वो है तस्बीह फातिमा ठीक है तस्बीह फातिमा तो जहरा जो है आप प्यारी बेटी को दिया अगर इससे बेहतर कोई गिफ्ट होता तो वो देते तस्बीह फातमा जो है उसकी इतनी फजीलत है हाँ। इतनी है उसकी सबसे पहले कि ये आपके बदन में और आपके दिल में कुवत पैदा करती है इट गिव यू एनर्जी एंड स्ट्रेंथ और ये वो चीज है कि जिसको अगर आप अपने पढ़ने का मामूल बना लें तो आप नमाज पे खड़े होना शुरू हो जाते हो हु। आप किसी को डायरेक्ट नमाज पढ़ने का कहें ना तो डायरेक्ट नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता लोगों के लिए। बिल्कुल, ऐसा ही है लेकिन अगर आप पहले उनको तस्बी फातमा पे लगाएं छोटा हाँ। सा अमल है दो मिनट का अमल है तैतीस दफ़ा अल्लाह तेतीस दफा अलहदुल्ला ते चौंतीस दफ़ा अल्लाह अकबर आपने पढ़ना है हमारे यहाँ एक ये चीज़ वो शुरू हुई है कि जी तस्बी फातमा सिर्फ नमाज के बाद पढ़नी होती है वो भी पढ़नी होती है लेकिन तस्बी फातमा आप दिन या रात में कभी भी जब हाँ खुद एनी को तोनाजाइज दुनिया में देखे दो तरह की एनर्जी एनर्जी देखें मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत वाक्य सुनाता हूँ की जब इब्राहिम अल्लाम को आग में डाला जाना था तो आग नहीं थी जल रही फरिश्ते आग नहीं जलने देते थे तो शैतान जो है वो आया लोगों के पास उन्होंने कहा कि जी इसका तो मैं हाल बताता हूँ hmm. तुम लोग यहाँ जना करना शुरू कर दो hmm. फरिश्ते यहाँ से भाग जाएंगे भाग जाएं। फिर तुम आग जला सकते हो hmm. वो क्या hmm. था शैतान ने कहा कि तुम मेरी एनर्जी को एनर्जाइज करो बुरे कायम करके ठीक है तो उसके बाद आग जल गई ठीक hmm. है तो तस्बी फातमा जो है डिवाइन एनर्जी है अच्छा मैं आपको इसकी एक फजीलत बताना जरूर चाहूंगा आपके ऑडियंस को के सुनन इबन माजा की हदीस है किताबों में से है हाँ। किताबों में से एक दफा हजरत, जो हजरत अली की बड़ी बहन थी वो आई आप के पास और उन्होंने कहा बूढ़ी हो गई जयफ हो गई हूँ मुझे कुछ ऐसा बता दें कि जो मैं बैठे बैठे करतीरा करू उन्होंने कहा कि आपने कहा कि आप सौ दफा सुबहान अल्लाह को इसका स्वाब ऐसे है कि जैसे आपने सौ गुलाम आजाद किया आप सौ अल्हम्दुलिल्लाह कहो इसका सवाब ऐसे है जैसे सौ घोड़े आपने अल्लाह के रास्ते में जहाद के लिए भेजे हो सौ दफा अल्लाह अकबर कहो इसका सवाब ऐसे है कि आपने सौ ऊंट हाँ। अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए हो हाँ। अब आप ये देखें कि एक अरब नस्ल का घोड़ा हाँ। आपको पता कितने का आता है कितने का था? कम से कम पचास लाख रुपए का सौ घोड़े आपको पता कितने के पचास करोड़ रुपए के सही। ये अरबों करोड़ों का नुस्खा है जो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि ने फ्री में बता दिया फ्री में बता दिया तो ये वही कलमात है तस्बीह फातिमा हाँ। के कि आपने सौ आप सौ दफा आप उसको पढ़े और फिर चौथी चीज ला इलाहा इल्लल्लाह सौ दफा पढ़े उसका सवाब इतना है कि जमीन और आसमान के दरम्यान जितनी खला है वो सवाब से भर जाती है और ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कलमा है कि इसके सामने कोई गुनाह नहीं खड़ा हो सकता जितने भी गुनाह हैं उनको ये सही खत्म कर देता सही सर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो कहा जाता है जादू बरहक है लेकिन करने वाला काफिर है इसको थोड़ा डिटेल बता दें उस आवाम के लिए उन लोगों के लिए जो काले जादू की गिरफ्त में है और वो करने को भी मतलब जाते हैं हसद के मामला में क्या कहते हैं इसके बारे में आप जी पहली बात तो ये है कि ये लफ्ज़ गलत इस्तेमाल होता है कि जादू बरहक है बरहक हक का मतलब तो सच होता है ना ठीक है बात यह है कि जादू कोई सच्चाई नहीं है लेकिन जादू हकीकत में हो जाता है, है। ये कहना ज्यादा जरूरी है हाँ। ज्यादा बेहतर तरीका है हाँ। कि जादू हो जाता है और उसको करने वाले भी हैं हाँ। लेकिन यह है कि ऑब्वियसली वही है कि जो ये करता है वो इस्लाम हाँ। से खारिज हो जाता है सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो अपना कोट करते हैं पाक मिसाल दे दें कि उन्होंने भी अपने पर जो काला जादू हुआ था उसका इलाज कुरान से ही किया था। जी उसका इलाज तो कुरान से होता है ये बड़ी गलत बात मशहूर हुई है मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना की जी काले का तोड़ काले में है। तोड़ काले में इससे हाँ। ज्यादा मेरा ख्याल है नामकुल बात नहीं हाँ। कोई हो सकती तो जादू का जो इलाज है हाँ। वो यही है दो सूरते आखिरी चार कुल और सूरत फातह सूरत फातह जो है वो तो सूरत दम भी कहा जाता है उसको सूरज शिफा भी कहा जाता है कि हर बीमारी का इलाज है सूरत फातिया के अंदर बल्कि एक वाक्य भी है कि एक सहाबी जो थे वो कहीं निकले हुए थे सहाबा तो एक इलाके में गए तो उधर के जो सरदार था कबीले का उसको बिच्छू ने काट लिया तो वो लोग आए उन्होंने कहा क्या तुम में से कोई दम करता है तो उन्होंने कहा जी एक सहाबी ने कहा हाँ मैं दम करता उन्होंने दम किया और वो बंदा ठीक हो गया बाद में जाके जब आप ने पूछा कि तुमने क्या दम किया था तो उन्होंने जी मैंने सूरत फातिया दम किया था उनका जी बिल्कुल ठीक किया तो बिल्कुल ठीक किया क्योंकि सूरत फातिया जो है वो इलाज है सर ऐसे कौन से कलमात हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में अपने साथ रखें देखें आ, कुछ बड़े बड़े मैं आपके साथ आ, कलमात शेयर कर लेता हूँ सबसे पहले हसबुल्ला व नमल वकील कामयाबी के लिए किसी भी दुनियावी उखरवी कामयाबी के लिए बेहतरीन वजीफा जो है बेहतरीन आयत है की 173, पढ़ना शुरू करें आप उस प्रॉब्लम में से निकल जाते हो देखें इब्राहिम को जब आग में डाला जा रहा था हाँ। तो उन्होंने उस वक्त पढ़ा था हसब्ला जब आप को मारने के लिए

चंद मौलवियों ने ये बातें बनाई हुई है कि जी बहुत गर्म है कोई गर्म नहीं है बिल्कुल ठंडी है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं होती दिमाग को असल में इंसान के अंदर प्रॉब्लम होती है आयत करीमा की वजह से नौजुबल्ला नहीं होती कोई प्रॉब्लम तो ये है कि आयत करीमा को कहते हैं भारी होती है भाई आयत करीमा भारी नहीं होती आयत करीमा तो भार को उतारती है उतारती है और बहुत सारी सर ऐसे कुछ कलमात हैं जिनके बारे में कहा जाता है वो भी मतलब गर्म तासीर रखते हैं क्या एक ठंडे गर्म का कोई लॉजिक है देखें वो कुछ अल्लाह ताला के नाम है ऐसे कुछ जमाली हैं हाँ। कुछ जो है वो जलाली नाम है।, है वो हो है लेकिन आ, आयतों के बारे में आप ये नहीं कह सकते सही। नामों नामों के के बारे बारे में में आप कह सकते हैं लेकिन अल्लाह अल्लाह के जो कुरान है जो आयात है उनके बारे में आप ऐसे नहीं कह सकते जैसे अल्लाह का नाम है या जलाल ये जलाली नाम hai, इस हाँ, है इसमें फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा है यानी कि इसमें जो आग मटी हवा पानी जो चार अनासर होते हैं उसमें आग का एलिमेंट बहुत ज्यादा है तो इसलिए इसको इतना ज्यादा लोग पढ़ने के लिए देते भी नहीं किसी तो ये है कि आयत के हवाले से ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आयत नहीं करीमा है। को आप जितना मर्जी पढ़े यूनसम तीन अंधेरों में थे हाँ। रात का अंधेरा समंदर का, समंदर का अंधेरा मछली के पेट, पेट का अंधेरा, अंधेरा। इससे ज्यादा को बंदिश हो सकती है नहीं बिल्कुल नहीं ठीक है उसमें से निकालने के लिए उन अंधेरों में फिर अल्लाह तला ने उसको जुलुमात कहा है अंधेरे उनमें से निकाला है तो वो आयत करीमा की वजह हाँ। अगर आपने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं आयत करीमा पढ़ सकते हैं और एक और इसतफार जो कुरान में अल्लाह तबी को पढ़ने के लिए कहा वो था रब वाहमीन ये जो है ना अंता खैराह ये भी कुछ लोग कहते हैं कि इसमें आजम में से है सही सर कोरोना के दिनों में एक चीज बहुत ज़्यादा सुनने को मिली जो लॉकडाउन के दिन थे कि मतलब, है है। हमें आगे बताइए सर ऐसे कौन से कलमात हैं जो हम जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनके दर्जात बुलंद करने के लिए पढ़ सकते हैं जी बेहतरीन तो है कलमा पहला कलमा

Uh, रिवायत भी है इतनी स्ट्रॉन्ग हदीस नहीं।, नहीं है ये लेकिन वो कहा जाता है कि सत्तर हज़ार दफ़ा अगर आप ला लाह पढ़ के किसी को बख्श देते हैं तो उसके ऊपर अगर जहन्नम वाजिब भी हो चुकी हो तो अल्लाह ताला उसमें से उसको निकाल देता है तो ये ला इला 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 पढ़ के बख्शना जो है और फिर सूरत सूरत अखलास सबसे जो फेवरेट तरीन जो सूरत थी आपकी की वो थी सूरत अखलास जिसके बगैर वो कोई भी नमाज में किसी एक रकात में भी नहीं छोड़ते होते थे सही क्योंकि सूरत इखलास इज वन थर्ड ऑफ कुरान यानी कि वन तहाई कुरान के बराबर हाँ। है तीन दफा आप पढ़ लेते हैं तो एक कुरान का सवाब इसी तरह इसलिए जब हम फातिहा भी पढ़ते हैं हाँ। तो हम एक दफा सूरत फातिहा पढ़कर तीन, तीन दफा कुलूला पढ़ते हैं यानी कि हम पूरे कुरान पाक का सवाब जो है

पढ़ सकते हैं या कोई हिफाजत की दुआएं जो आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ के दम कर सकते हैं ठीक है अगर घर में शैतानी असरात हो या ऐसी अच्छा तो है सर असैब के बारे में क्या कहते है किस तरह से मैनेज किया जाए होता है ये जिन जो है या सा हो जाता है लोगो के ऊपर ये है और ये वजनी जगह कुछ लोगो लोग कहते हैं ये फला जगह वजनी है वहाँ मत जाओ छोटे बच्चों को ना लेकर जाओ अकेली लड़की ना जाए जो है है क्या इन बात हाँ जी हो ऐसा होता है। देखें अब जैसे सऊदी अरब के अंदर जो है मदाइन सोलह है जहाँ पे इस्लाम की कौम थी जो बर्बाद हो गई हाँ। अब वो इलाका सारा वीरान है वहां कोई नहीं रहता और वहां जाने से भी लोग मना करते हैं क्योंकि वहाँ अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था तो कुछ वाकई जगह ऐसी होती हैं जो कि भारी होती है असरात होते हैं चीजों के सही जी ये बात दुरुस्त है सर अक्सर जगहों पर ना छतों पर दिए जलाए जाते हैं यहाँ बुजुर्ग का आना जाना है क्या नहीं, ये नहीं गलत बात है जी इसमें कोई दुरुस्त नहीं है रास्ते में नहीं बैठना चाहिए बुजुर्ग आते जाते रहते हैं मतलब रास्ते नहीं, में नहीं वैसे ना रास्ते, में। रास्ते में बैठने से मना किया गया लेकिन इसका ये नहीं क्योंकि बुजुर्ग आते लॉजिक ये नहीं देखिये अरवाह जो है ना ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है की आपकी रूहे आती है और वो क्या क्यूँकी रूह एक दफा निकल गई वो चली गई आसमानों में आज हमें बहुत सारी ऐसी मिथ्स डिस्कस करने का मौका मिल रहा है डॉक्टर साहब आपसे ऐसी ही एक पता नहीं अब ये हकीकत है या नहीं है ये आप हमें साबित करेंगे कि 40 दिन जो 40वें के होते हैं और एक बच्चा पैदा होता है उसके जो 40 दिन होते हैं कहते हैं उसमें जन्नात का घर में आना जाना रहता है क्योंकि एक रूह जाती है जब फौतगी होती है और एक नई रूह आती है दुनिया पर तो क्या इसमें हकीकत है नहीं जी इसमें कोई हकीकत नहीं है और जन्नात जो है वो आमतौर पर शहरी इलाकों में आबादी वाले इलाकों में रहते ही नहीं है ये रहते भी वीरानों में hmm. जंगलात में रहते हैं वीरहानों में रहते हैं hmm. जहाँ बहुत ज्यादा इंसान रहते हो या जहाँ अजाने होती हों hmm. जैसे हमारे शहरों में मस्जिदें अजाने होती हैं hmm. वहाँ पे जो है ऐसे जन्नात नहीं आते hmm. मतलब जो काफिर जन्नात या hmm. इस किस्म के जन्ात hmm. मुसलमान जो जिन्न है जो दोस्त जिन्न होते हैं इंसानों के वो जरूर होते हैं वो हाँ और दूसरी चीज गलाजत वाली जगहों पर होते हैं जो गते जिन्न होते हैं हाँ। इसीलिए आप ये देखते हैं कि हम जब वॉशरूम में जाने के लिए जो दुआ पढ़ी जाती है कहामा इन्नी आऊजी का मिनल खुब सी वालबाइस हाँ। की ये अल्लाह हमें तू महफूज रख ये खबीज जिन्न और जिन्नियों से हाँ जो कि गंदी जगहों बैठे गंदी होते जगह जगहों पर होते जी ठीक है थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आज आपने हमें ज्वाइन किया और बहुत सारी मिथ्स हमने डिस्कस की और क्लियर हुए हमारे पॉइंट्स उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूवर्स के भी बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे यहाँ आप अपनी मेजबान नूरमानला को इजाजत दीजिए देखते रहे गपशप विद नूरमानला और इस तरह के मजीद इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक्स लेकर आप सबकी खदमत में हाजिर होंगे फिलहाल अल्लाह हाफिज